आप जो है इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल साइंस फिजिक्स के मोशन के प्रश्न, और 33 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं, और बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। किसी भी एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं, यदि हम लोग बात करें जीएसएससी सीजीएल की, जेई की, उत्पाद सिपाही की या एसएससी की, किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल डेफिनेटली आते हैं। और यहाँ पे यदि आप सिर्फ ल्यूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो एनसीईआरटी काफी सारी बुक को आपको कवर करना पड़ेगा, तब आप जाके यहाँ पे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इनको हमेशा नोट करिएगा। सबसे पहले सवाल समझ लीजिए क्या क्या सवाल इसमें आएंगे। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो दोनों मीडियम के बच्चे के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम लोग ये समझ लेते हैं पहले, स्टार्ट करने के पहले क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें सीजीएल, जैसे सीजीएल की हम लोग बात करें, यदि जेई की बात करें, ठीक है, उत्पाद सिपाही की बात करें, तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। मोशन हम लोग करेंगे, गति करेंगे। देखिए यहाँ से पहला सवाल जो है वो तो स्केलर वेक्टर पूछ लिया जाता है, जैसे डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा स्केलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाएगा, स्पीड वेलोसिटी पूछ ली जाएगी, क्या है ये स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, पहला प्रश्न इस तरह का। दूसरा प्रश्न जो है यूनिट पूछ लिया जाएगा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट आपको जाना है, जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये तो बच्चे वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। उसके बाद इससे स्लोप से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई इसका स्लोप क्या देती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देती है या स्पीड वेलोसिटी का क्या देती है, इस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल भी इससे आता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ पे कम से कम बनते हैं, और ग्राफिकल प्रश्न आते हैं ग्राफ से, ठीक है, कि ये ग्राफ किसका ग्राफ है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल क्या है हमारा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, तो ये होती है वन डायमेंशनल, ठीक है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है, ठीक है, एक रेखा में जो मोशन जा रही है उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, एक जो है आयामी गति। अब पूछोगे सर एक जो है आयामी का मतलब क्या है, देखिए हमने एक्स वाई पढ़ा होगा कभी ना कभी, अलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़ा होगा आपने, एक्स वाई एक्सिस जरूर सुना होगा। तो एक्स वाई का मतलब है तीन एक्सिस, दो एक्सिस हो गया यहाँ पे, मतलब दिस इज टू डायमेंशनल, ये क्या हो गया टू डायमेंशनल। यदि इसमें जेड हो जाता, जेड हो जाता तो इसको बोलते हैं हमें थ्री डायमेंशनल। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें किसी भी एग्जाम्पल की, जैसे मेरे मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक थ्री डायमेंशनल बॉडी हूँ, क्योंकि मेरी क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यदि देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी सॉलिड बॉडी आप देखते हैं वो थ्री डायमेंशनल होती है, कोई भी आप देखते हैं ऑब्जेक्ट आसपास में सारा लगभग जो है थ्री डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल यदि हम लोग बात करें तो आपका जो पेपर है, जो पेज आप लोग पढ़ते हैं ना, वो टू डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है और ये वाई है, और इसको हम लोग यदि जेड मान लें, ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं, तो देखिए ये एक्स, ये वाई और ये जेड, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये क्या हो गई थ्री डायमेंशनल हो गई। बात समझ में आ रहा है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी यदि है उसमें तो वो थ्री डायमेंशनल होती है, लेकिन सिर्फ लंबाई है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई है तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। तो ये जो है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक रेखा में गति, जिसको हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते हैं, तो वो जो होता है वो वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वो हम लोग एक रेखा में देखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टू डायमेंशनल, थोड़ा सा बताइए आप तो कि मोशन टू डायमेंशनल होती है क्या। देखिए स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है वो वन डायमेंशनल होती है, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है। टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन, एक सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो ध्यान से देखिएगा सर्कल में जब घूमेगी वो, तो यहाँ पे मान लीजिए सर्कल में घूम रही है, तो आप एक एक पॉइंट को कंसिडर करिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस में जाना चाह रही थी, इस पॉइंट में छोटा सा पॉइंट लीजिए, मतलब एक बड़ा सा सर्कल समझिए, तो एक इस जगह पे मान लीजिए एक बहुत बड़ा जो है ये, मतलब कि ये मतलब कि वो आर आर में जैसे बाइक चलता है ना, आज मूवी में देख के आया हूँ, तो इस तरह से मान लीजिए राउंड जो है वो जा रही है, तो एक इस जगह के लिए आप सोच सकते हैं कि ये लीनियर जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस में जा रही है, लीनियर का मतलब इस एक्स एक्सिस में जा रही है, इधर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अपना परिवर्तन कर रही है, प्रत्येक पॉइंट में हालांकि कर रही है, तो ये एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, देखिए अब जा रही है ना वाई में, तो ये एक्स में भी गई वाई में भी गई, इसका मतलब है सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल बताइए सर, थ्री डायमेंशनल मोशन आप जा सकते हैं, आप एक काम करिए, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, हम इधर गए, ठीक है, इधर गए, उसके बाद ऊंचाई में भी गए और उधर भी गए, तो ये थ्री डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल मैं और एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, कोई भी बॉडी, जैसे मैं एक थ्री डायमेंशनल बॉडी हूँ, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, जैसे एक्स वाई जेड हो, उसके उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए
जैसे हेलीकॉप्टर उड़ती है तो वो थ्री डायमेंशनल जो है वो उड़ेगी, ठीक है, वो किसी भी दिशा में जा सकती है, ऊपर गई पहले, आगे गई, आगे पीछे कहीं भी जा सकती है, समझ गए, आगे पीछे बाएं दाएं, आगे पीछे बाएं दाएं, ऊपर नीचे, थ्री डायमेंशनल हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कमेंट करिए मैं फिर बताऊंगा आपको। अगला सवाल है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कहलाता है। देखिए हमने कहा कि एक लाइन में मोशन हो रही है, ठीक है, तो इसको हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी है, जैसे मेरा भी दूसरा नाम है, ठीक है, तो लीनियर मोशन, दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और तीसरा जो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कहते हैं, लीनियर भी बोलते हैं, और इसे स्ट्रेट लाइन का मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पूछा गया, तो स्पीड इंटू टाइम मतलब चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू गति की जगह में यहाँ पे चाल लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, चाल इंटू समय, क्योंकि मोशन का मतलब गति होता है, यहाँ पे चाल चाल कर लीजिए, ठीक है, चाल, तो चाल इंटू समय हो जाएगा डिस्टेंस की फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या नन है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी जो हिंदी में कहते हैं अदिश राशि, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, परिमाण होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम लोग बात करेंगे कि बोलेंगे कि हमने 2 मीटर दूरी तय की या 2 किलोमीटर दूरी तय की, हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में करा है, पश्चिम दिशा में करा है, उत्तर में दिशा में करा है, जितना मर्जी जिस दिशा में करिए कोई मतलब नहीं है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। मगर यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी, तो वो क्या होती है, वो एक दिशा में होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब हमने समझ लिया जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, दिशा नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सीधे शब्दों में बोले तो इसके सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, मतलब परिमाण, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, तो वेक्टर में दोनों होती है, मतलब सदिश राशि में एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, ठीक है, तो एक तो वैल्यू भी होगी, जैसे 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू हो गई, उसके बाद इसकी दिशा होगी, हम बोलेंगे ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, एंगल बता सकते हैं 30 डिग्री में जा रही है, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, आई होप आप समझ गए होंगे। टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी को हम पिछले क्लास में हमने अच्छे से कवर कर रहे थे, ठीक है, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जनरल साइंस में बहुत सारी मेरी वीडियो है, देख लीजिएगा सारा, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेंसर क्वांटिटी से इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना वो टेंसर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वेक्टर होने के लिए एक तीसरी शर्त, इंपॉर्टेंट शर्त है, वो शर्त है कि उसे आप जो पैरेललोग्राम लॉ होता है या ट्राइंगल लॉ होता है एडिशन का, ठीक है, एडिशन का ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उसको वो फुलफिल करना चाहिए। नहीं समझे बात, समझिए आराम से, जैसे हम लोग बात करेंगे यदि करंट की, हम बोलेंगे 2 एम्पियर का करंट है और 3 एम्पियर का करंट है, जोड़ो तो आप 2 प्लस 3 5 कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम यदि फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स यदि इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो हमें डायरेक्शन फोर्स की चाहिए होगी, मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स है, हमने बताया कि तुम्हारे पास 3 न्यूटन का फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स है, तो आप 3 3 प्लस 2 नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि फोर्स किधर से लग रही है, बात समझे, तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, तो ये इस तरीके से 3 प्लस 2 सीधा सीधे नहीं जोड़ सकते, उसके लिए ट्राइंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है आपका, ठीक है, तो समझ गए बात, तो इसका मतलब सीधा सीधी जिसको जोड़ सकते हैं वो जो है वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर में सीधा सीधी जोड़ नहीं होता, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि आप यहाँ से 2 मीटर इधर गए हैं, ठीक है, और आप इधर से 2 मीटर फिर इधर चले गए, तो मैं बोलूँ आपको कि आप एक काम करिए कि आपकी इनिशियल पोजिशन ये ए है, मतलब प्रारंभिक अवस्था, और ये अंतिम अवस्था मतलब फाइनल पॉइंट है, मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि इस बंदे के डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो क्या आपने 2 प्लस 3 किया, किया नहीं किया ना, आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री लगाओगे और ये हाइपोटेनस मतलब कि ये क्या हो गई, कर्ण हो गई, तो आप अंडर रूट करोगे 2 स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, कर्ण मतलब कि हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, किसकी थ्योरी है ये,
कमेंट में करिएगा किसकी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच है ये पी है ये बी है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आप निकाल लेंगे एच मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे शायद नहीं देख पा रहे, ये क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और आप निकालेंगे 4 प्लस 9, ठीक है, और √3 30, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने कभी भी 2 प्लस 3 नहीं किया क्योंकि 5 हो जाता तो हुआ तो नहीं, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर में सीधा सीधी जोड़ नहीं होता है, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में सीधा सीधी जोड़ नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मेरी वो वीडियो देख लीजिए, समझ जाइएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तो ये होती है मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये हो जाती है आपके मीटर, ये भी मीटर होती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब समझिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ठीक है ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और उसको जाना है बी यहाँ पे जाना है, वो सीधा सीधी जा सकता है, मगर उसने क्या किया कि वो सिंघाड़ा इसको खरीदना था यहाँ पे, ये सिंघाड़ा खरीदते हुए खाते हुए इधर से गया, बात समझ में आ रहा है। तो एक तो एक पोजिशन ये दूसरा रास्ता ये तीसरा, और एक बंदा था वो क्या किया कि उसको मामा घर जाना था, उसका मामा घर यहाँ पर ना था, वो मामा घर होते हुए घुघनी मुड़ी खाते हुए वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हो गए, तो तीनों रास्तों का आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस आप कवर करेंगे सीधा सीधी वाला, सीधा सीधे हिसाब रखने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बी की दूरी। ठीक है, मगर 1 2 3 आपने तीनों कवर किया अलग अलग, उसको हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं, तीनों ही डिस्टेंस है, मगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कौन सा है, तो ए से बी जो डायरेक्ट सीधा वाला है वो होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ गए बात आप। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होती है, देखिए ध्यान से, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये कोई जरूर डायरेक्शन होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक बंदा ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया फिर सी गया, ठीक है, ए से बी और ये सी है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मगर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चूंकि डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विच इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए इट मे बी जीरो ये जीरो हो सकता है, ऑप्शन बी क्या है इट मे नॉट बी जीरो ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिए, क्या ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि मान लीजिए एक बंदा है जो ए से स्टार्ट किया चलना और वो स्कूल गया मान लीजिए बी, और स्कूल खत्म होते ही वो वापस जो है अपना घर आ गया, ठीक है, वो अपना घर आ गया, तो ये जो घर आ गया जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल जो पॉइंट है वो एक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये सही है ऑप्शन बी इट मे नॉट बी जीरो, तो ये गलत हो गई, ये तो गलत है, ये सही है। अगला है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी सही है। उसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन डी को, इट्स मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो होती है, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये बोला है यहाँ पे। क्या ये होती है, कभी कभी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा, कभी नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है। ठीक है, इक्वल हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक बंदा, ठीक है, एक बंदा ए से बी जा रहा है, वो दो बंदा है ये इधर से ही जा रहा है, तो दोनों की जो है डिस्टेंस सेम हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम हो सकती है, कि यहां से यहां गया तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया वही सेम, मगर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बोला क्या ज्यादा हो सकती है, कभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो गई नहीं, समझ गए बात। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम में कवर कर रहा, मतलब कि कहने का यही मतलब है 1 सेकंड में वो 2 मीटर जा रहा है, अगले 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर जा रहा है, फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर जा रहा है, ठीक है, अगले सेकंड में फिर वो एक मतलब एक एक करके जा रहा है, मतलब कि समझ रहे बात, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 2, मतलब ऐसे हम लोग ले रहे तो 2 4 6 हो जाएगा इस तरह से, फिर 8 हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में वो 2 2 मीटर ही जा रहा है प्रत्येक 1 सेकंड में। तो ऐसा यदि हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में यदि कवर करे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि आराम से मस्ती से जा रहा है एकदम एक स्पीड से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है,
तो ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 2 मीटर किया, फिर उसने क्या किया कि उसको तूफानी आ गया, ठीक है, ओवरटेक करने का मन हो गया। एक ड्यूक की बाइक बगल से निकल रही थी और उसकी पल्सर की थी, उसको मन किया नहीं कि हम इसको आज चेज करके छोड़ेंगे, ठीक है, उसने क्या किया कि अगले 1 सेकंड में 10 किलोमीटर तय कर दिया, अगले 1 सेकंड में बोला नहीं और तूफानी करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया और 10 किलो मतलब 20 किलोमीटर कर दिया। हालांकि पॉसिबल नहीं है 1 सेकंड में 20 किलोमीटर, लेकिन मान के हम लोग ऐसे चल रहे हैं। मान लीजिए चलिए इसको हम लोग एक मतलब कि घंटा ले लेते हैं, चलिए 1 घंटा, ठीक है, मतलब समझ गया आप कि अलग एक एक सेकंड में हम लोग एक एक सेकंड ही ले रहे हैं, एक यूनिक टाइम जो है सेम ले रहे हैं मगर डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी मतलब असमान गति, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, असमान गति ही एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है, ठीक है, जो त्वरण होता है वो असमान गति ही होता है। त्वरण पूछेंगे क्या होता है सर, तो वेग में परिवर्तन की दर को द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है, एक्सेलरेशन का मतलब आप सुने होंगे, एक्सेलेटर सुने होंगे ना, गाड़ी में एक्सेलेटर रहता है, मतलब कि आप क्या कहते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं अचानक से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या इसके इसे हम कैसे इसे भी ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसा भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो एक्सेलेटेड मोशन होती है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेशन नहीं होता, एक्सेलेशन जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, बात समझ में आ रहा है, एक्सेलेशन जीरो होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करेंगे, उसका प्रश्न भी हमने लिया, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि आप 1 सेकंड में 2 मीटर गए, अगले 1 सेकंड में आप 3 मीटर गए, अगले 1 सेकंड में आप 4 मीटर चले गए, तो अब जो है एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना होता है। तो अब क्या करेंगे आप कि अब करना यही है कि टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 4 मतलब 2, 2, 3, 5 और 4, 9 हो गया, तो 9 / टोटल टाइम कितना लगा, 1, 1, 1, 3 सेकंड, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, तो वही है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, एसआई यूनिट एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला तो वही है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, ठीक है, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो स्पीड को स्पीड की जो होती है इसकी भी वही होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने सवाल भी यहाँ पे करवा दिया, चलिए करवा देते हैं कि 4 सेकंड में वो कितना कर रहा है, 16 मीटर। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, टोटल हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टीडी कर देते हैं बाय टोटल टाइम टीटी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 16 मीटर + 16 मीटर, ठीक है, तो 16, 16, 32, और नीचे हो गया टोटल टाइम क्या हो गया, 4 सेकंड + 2 सेकंड मतलब 6 सेकंड, तो 6 से 32 को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 6/32/6 मतलब कि 5.33, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वेग वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर होती है, क्या होती है, वेक्टर होती है, क्योंकि इसके लिए दिशा चाहिए होता है, क्योंकि जब हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 2 किलोमीटर पर घंटा किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कुछ जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, देखिए आंसर, यदि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट में, मतलब चेंज हो रही है यूनिफॉर्म मोशन, इसको नहीं समझ लीजिएगा, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट, वाई, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी जहां पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी जहां पे चेंज हो रही है वहां पे एक्सेलेरेशन हो रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ चलती है, वेलोसिटी कांस्टेंट। सवाल पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, तो आंसर आएगा आपका वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। ऐसा नहीं लिख के आ जाइए कि वेलोसिटी एक मात्रा में चेंज हो रही है, नहीं जी, एक मात्रा में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, एक मतलब कि रेट में यदि चेंज होगी तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब कि एक समान त्वरण बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, मतलब एक समान त्वरण हो रहा है,
ठीक है, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई, मतलब एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा गिवन, कैसे आप निकालोगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की हमने फॉर्मूला पढ़ी कि टोटल क्या पढ़ी, वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये पढ़ा हमने, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा तरीका शॉर्टकट मेथड, मतलब ये भी शॉर्टकट वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है, पूछ सकता है आपसे शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। तो शॉर्टकट निकालने का सिंपल तरीका है, अरिथमेटिक मीन कर लीजिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइनल वेलोसिटी यदि पता है, मान लीजिए एक वस्तु स्टार्ट कर रही थी 10 किलोमीटर पर घंटा में और उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, मान लीजिए, तो आप क्या करिए, पकड़ के 10 + 20 कर दीजिए, पहला काम करिए। दूसरा काम क्या करिएगा, डिवाइड किससे करेंगे, दो से, डिवाइड इसलिए दो से करेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने कहा कि दो ही चीज है, तो दो से आप डिवाइड करेंगे तभी आपकी मीन निकलेगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। उषा स्विम कर रही है, तैर रही है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, सी कवर 180 मीटर, मतलब गई है इधर से इधर गई 90 मीटर और वापस आई फिर 90 मीटर, मतलब हो गया 180 मीटर। यहाँ पे बोला इन 1 मिनट, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग पूल सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड में उसने कितना कर लिया, 180 मीटर उसने तय कर लिया। अब यहाँ पे पूछा है कि वन बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर बैक अनदर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, तो स्पीड आप कैसे निकालते हैं, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर में और टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, यदि आप, क्योंकि हमें पता है कि मीटर होगा तो मीटर पर सेकंड में, ऐसा ही नहीं आप हमेशा निकालिएगा, यदि डिस्टेंस मीटर में है तो आपको टाइम जो है वो सेकंड में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 मिनट को कर दिया 60 सेकंड, 1 मिनट को 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 3 3 मीटर पर सेकंड, सही आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। यदि हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस में, ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मगर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे जहां से चली थी, यहाँ से यहाँ स्विम की ए से और वापस आ गई ना ये, तो जहां से चली थी वहीं पे पहुंच गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जीरो बाय समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, समझ गए बात। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल किया हमारा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, वेलोसिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट स्पीड, स्पीड को आप चेंज कर दीजिए, दूसरा द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप मोशन को चेंज कर दीजिए, आपके पास तीसरा ऑप्शन है ए और बी, ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ऑप्शन बी बोला था, ऑप्शन सी बोला है कि आप दोनों कर सकते हैं ए और बी। देखिए वेलोसिटी जो होती है, मैंने कहा उसके एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है, तो यदि आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, स्पीड चेंज करने का मतलब क्या है, 2 किलोमीटर पर घंटा का तो 3 किलोमीटर कर दिया, मैग्नीट्यूड ही ना चेंज किया आप, ठीक है। आप दूसरा ऑप्शन डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं तो भी आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, आपने क्या किया, इस ये ऑब्जेक्ट जो है ईस्ट में जा रही थी, आपने क्या किया, इसकी जो मतलब कि डायरेक्शन है उसको वेस्ट में कर दिया, क्या कर दिया, वेस्ट में कर दिया। अब जो है ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड वो ईस्ट डायरेक्शन में है, जब मैं बोल आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि बाबू ये वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन जब इसके बारे में पूछूंगा कि ये क्या है बताओ, तो आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि मतलब कि ये एक वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन तो अलग हो गया ना, इसका मतलब वैल्यू मतलब कि वो चीज ही अलग है, जिसका डायरेक्शन ही अलग है उसका वो चीज ही अलग है। इसका मतलब है या तो आप डायरेक्शन को चेंज कर दो या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दो, दोनों में से कुछ भी आप करो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, एक्सलेशन इज, एक्सलेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक ही चीज है, ठीक है, और इट इज अ वेक्टर। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एक्सलेशन समझ लिया। और फॉर्मूला क्या होती है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, इसकी इसकी जो एस आई यूनिट क्या हो जाएगी, एस आई यूनिट, देखिए वी माइनस यू आप माइनस करके निकालेंगे आप, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड और माइनस करोगे 2 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। इसका मतलब है ऊपर में आप रख दीजिए मीटर पर सेकेंड और नीचे में टाइम रख दीजिए सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होती है, क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, तो एक तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने ले लिया टाइम को, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन बोला। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि, ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही हुआ कि एक सेकंड में 2 मीटर तय कर रहा है, तो अगले एक सेकंड में वो 2 मीटर ही तय कर रहा है, मतलब 4 मीटर हो गया। अगले एक सेकंड में वो 2 मीटर ही तय किया, मतलब टोटल हो गया 2 2 4, फिर 6 हो गया। ऐसी चीज हो रही है दोस्तों, बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो यदि इसका आप ग्राफ बनाइएगा एक्स वाई एक्सिस में तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। हमने ग्राफ बना लिया, एक्स में क्या है ध्यान से देखिए, तो एक्स में हमने क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, और इसके लिए टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो यदि आप इसको इस तरह से बनाते हैं 1, 2 और 3 सेकंड, और इसको आप यदि बनाते हैं 2, 4 और 6 बनाते हैं, तो यदि आप इसको बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स को 2 ले, मतलब एक्स एक्सिस को 2 ले लीजिए और वाई को 1 ले लीजिए, तो 2y 2 हो गया और 1 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आराम से आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3 इसको ले लीजिए, और इसको ले लीजिए 2 4 6, उल्टा ले लीजिए तब समझ में आएगा, 2 4 6 इसको ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स को हमने 2 4 6 लिया, तो यहाँ पे एक्स को आप ले लीजिए 2 4 और 6, ठीक है, और इसका 1 2 3 लीजिए तब आप बनेगी, ठीक है। तो 2 1 लीजिएगा, 2 1 मतलब कोऑर्डिनेट, तो आपका यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, दिस इज 2 1। आपने कभी ना कभी जरूर बनाया कोऑर्डिनेट, नहीं बनाया तो पट्टा मार लीजिए ये वाला इक्वेशन, मतलब आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, ये बनती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो या डिस्टेंस टाइम, एक ही चीज बनती है, ठीक है, अलग नहीं होती दोनों, ठीक है। हालांकि नाम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज है, लेकिन ग्राफ हो ये बनती है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, मगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन बनती है, इस तरह से ये कर्व बनी ना, इस तरह से, या हो सकता है ये इस तरह से भी बने, ठीक है। तो ये बन गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो समझ गए बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे बनेगी, आप ग्राफ में बना के भी दे सकते हैं कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 6 सेकंड में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो धड़ाक से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया मान लीजिए, तो ऐसे बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, ऐसा यदि बनाइएगा आप ग्राफ आराम से बन सकता है, 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 मीटर, 10, ठीक है, तो 1 सेकंड में 2 मीटर यहाँ पे होगा और 2 में हो जाएगा 10 इधर, तो ऐसे आप यदि बनाइएगा तो बिल्कुल मतलब अलग टाइप का बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलेंगे, त्वरण वाली है ये, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ बनाना है डिस्टेंस का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमने देखा था अभी, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वो मैंने पूछा है कि नहीं, मैं बता ही देता, हो सकता कि नहीं पूछा हूँ मैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में यदि स्पीड टाइम ग्राफ पूछा जाए आपसे, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो मोशन जो स्पीड है वो चेंज तो हो नहीं रही है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा, तो इस तरह से बनेगी, क्या हो जाएगी, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम, फॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, तो ये हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो टाइम के प्रोपोर्शनल ही चेंज होती है, तो ये सही बात है, ये सही है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये गलत बात है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे हम, तो अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है, सवाल क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिटरमाइन, तो स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है उसकी देती है वो स्पीड देती है, कैसे देती है समझिए, मान लीजिए आप बना रहे हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो यदि आप स्लोप बनाते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप का मतलब क्या होता है, कितनी इंक्लिनेशन है, मतलब ये वाली इंक्लिनेशन निकालिए, मतलब ये थीटा निकालना, ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एम इक्वल टू होती है टेन थीटा, मतलब स्लोप की फॉर्मूला होती है टेन थीटा, इसको एम से डिनोट करते हैं, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगी, तो आप ये थीटा कहीं से भी आप निकाल लीजिए, आपको यदि यहाँ से निकालनी है तो यहाँ से निकालिए, ये थीटा हमने बना दिया और यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये बनेगी, अब यहाँ से यहाँ निकालना आपको, तो ये यहाँ से यहाँ जो है ये क्या हो जाएगी, डीएस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, डीएस स्मॉल डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ डीटी हो जाएगी स्मॉल टाइम, ठीक है, टाइम है क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है, ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि टेन थीटा निकालिएगा तो पी बाई बी, पी का मतलब थीटा से जो दूर होता है वो क्या होती है, पी होती है, ध्यान से समझिएगा, थीटा
थीटा से जो दूर होगा वो परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगी, इतना तो हमें पता है। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, डीएस है, और बेस कितना है तो टी है। तो डीएस बाय टी मतलब टी, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है इसके फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है किसकी फॉर्मूला होती है, स्पीड की। तो समझ गया बात कैसे स्पीड इसने दिया। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे हमारा, नेक्स्ट सवाल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है वो क्या होती है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होती है, स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, वो तो बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, तो वो बिल्कुल वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए 40 है 60 है कुछ भी ले लीजिए, तो ये ऐसे सीध में बनेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। आगे हम लोग बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप देख ली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, तो ये देती है एक्सलेशन। कैसे याद रखेंगे, ठीक है देखिए मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे थीटा निकालिए। ठीक है, और ये हो जाएगी वेलोसिटी डीवी और ये हो जाएगी डीटी। तो आपका टेन थीटा जब निकालिएगा आप, तो पी बाई बी होता है, पी मतलब क्या डीवी और बी मतलब डीटी। तो डीवी बाई डीटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो हमें पता है कि एक्सलेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू बाई टी, तो इसका मतलब ये हो जाएगी एक्सलेशन, मतलब कि ये एक्सलेशन दे दी। समझ में आया बात, तो आराम से आप समझ सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देगा, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक एरिया है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी जो एरिया है, ये वाला एरिया यदि आप निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसका मतलब समझिए, एक ऑब्जेक्ट था जो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा था यहाँ से लेकर 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक उसकी स्पीड रही मान लीजिए कुछ भी 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया रही। ठीक है, हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए एक ऑब्जेक्ट है जो 3 सेकंड तक उसकी स्पीड रही यूनिफॉर्म मोशन 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो डाउन होती गई। ठीक है, घटती गई मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए ब्रेक लगा दिया गाड़ी में तो धीरे 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 कम होगा, तो वही कम होती गई क्योंकि देखिए स्पीड घट रहा है ना, क्योंकि स्पीड की वैल्यू घट रही है यहाँ पे और टाइम बढ़ता जाएगा। तो यदि ये घट रही है, ठीक है, अगले 4 सेकंड के लिए, कितना सेकंड है, 4 सेकंड के लिए, ठीक है, तो आप तो एक तो इसका एरिया निकाल के स्पीड निकाल सकते, मतलब कि एरिया निकाल के आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि सबसे आसान होगा। मतलब एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ 6 है तो आप 6 कर दीजिए, यहाँ से यहाँ 3 है तो 3 कर दीजिए, 6 3 18 हो गया, यहाँ का एरिया निकल गया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो हाफ बी इंटू एच मतलब हाफ, और बेस कितना है, बेस है यहाँ से यहाँ 3 से 7 मतलब 4 है, ये 3 से 7 मतलब क्या, यहाँ से 3 और यहाँ 7 है मतलब 4 ही लगवा। उसके बाद हाइट कितना है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ हाइट कितना है जी, 6 है तो 6 कर दीजिए, 2 3 6 और 3 4 12, तो ये 12 आया था और ये कितना था, 18, तो 12 18 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगी यहाँ पे 30 मीटर। तो ये आंख बंद करके मतलब ऐसे मुंह से बना देंगे इसको आप, ये तो मैंने किया, इतना जरूरत ही नहीं है। तो आपको यदि ग्राफ से पता हो तो आराम से न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं और इसका जवाब भी आप दे सकते हैं, दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और यदि आप सिंपल मेथड से बनाइएगा तो भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आप पहले निकाल लीजिएगा फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालिएगा, जो कि एक मतलब कि फालतू वाला मेथड है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा कि देखिए ये घट भी सकता है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो घटेगा यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे ब्रेक गाड़ी ने लगाया और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। दिस इज रिटार्डेशन, क्या ये रिटार्डेशन, मंदन बोलते हैं हिंदी में रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सलेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब कि मान लीजिए किसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यदि ये बढ़ रही है पर यूनिट टाइम में तो उसको बोलते हैं एक्सलेशन, त्वरण। लेकिन यदि 2 मीटर से 1 मीटर पर सेकंड हो गई, जैसे ब्रेक लगाने से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मंदन रिटार्डेशन। ठीक है, समझ गए बात। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो ये घट रही है, ये क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि आप देखिए ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी धीरे धीरे ये 60 में आई फिर 40 में आई फिर ऐसे करके घट रही है, समझ गए बात। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये दोनों हो रही है, पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इक्वेशन। तो v इक्वल टू u प्लस at आपको याद करना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2a। ये आप पता है u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब प्रारंभिक क्या बोलते हैं इसको, वेग, और v का मतलब
अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, और टी का मतलब टाइम, और एस का मतलब डिस्टेंस। तो इतना आप समझ रहे हैं, और ए का मतलब एक्सीलरेशन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय, वेलोसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये तो हमने करवा दिया था, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विच इज ट्रू फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा सही है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम, आपको यदि पता है तो इसका आंसर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।